वेलकम बैक टू अनदर पबजी मोबाइल वीडियो, जिसके अंदर मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ कि पबजी मोबाइल में जो वाओ का इंसेंटिव प्रोग्राम है उसको तुम लोगों ने कैसे फिल करना है, कैसे उसके अंदर अकाउंट बनाना है। उसके अलावा जिन्होंने अभी रिसेंटली मैका अप्रैल एनिवर्सरी कोई भी जो अवार्ड है वो पबजी मोबाइल के अंदर विन किया है और उनके पास यहाँ पर जो है वो ये वाला मेल आया जिसके अंदर पबजी वालों ने उन्हें बोला है कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर विनिंग दिस रिवार्ड, अपनी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर दे दे। तो उसके अंदर आप लोगों ने अकाउंट कैसे बनाना है ये सारा का सारा कुछ जो है वो मैं आज की वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोग को पता है कि हमारी हर वीडियो के अंदर जो है वो गिव अवे होता है यूसी का, तो आज के जो गिव अवे के विनर्स हैं वो ये वाले भाई साहब हैं। यहाँ पर हम जो रैंडम कमेंट पिकर वेबसाइट को यूज़ किया और इन भाई साहब का जो नाम है वो यहाँ पर आता है और इनको जो यूसी है वो मैंने सेंड कर दिए थे। ये दो तीन दिन पहले ही मैंने गिव अवे कर लिया था, लेकिन वीडियो जो है वो मैं काफ़ी दिन बाद जो है वो यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर रहा हूँ, तो आप रिक्वेस्ट भेज के इनसे पूछ भी सकते हो। तो सीन कुछ ऐसा है कि आप लोगों ने वीडियो को कर लेना है लाइक, चैनल पे पहली बार आए हो तो कर लेना है आप लोगों ने सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लेना है ऑल पे, और कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग अगर आप पबजी मोबाइल खेलते हो तो पबजी की आईडी और अगर BGMI खेलते हो तो BGMI की जो आईडी है वो आप लोगों ने छोड़ देनी, और अगर आप लोग यूसी के लिए सिलेक्ट हुए तो आपको जो यूसी है वो सेंड कर दिए जाएंगी जब भी आपका नाम इसके अंदर आएगा। तो अभी सबसे पहले हम चलते हैं वाओ इंसेंटिव प्रोग्राम की तरफ। यहाँ पर जो है वो आप लोग इनबॉक्स इवेंट्स के अंदर जाओगे, वाओ इंसेंटिव प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर आप लोगों ने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस है वो आपके पास बिल्कुल भी नहीं आने वाला, अगर आपका जो अकाउंट है वो अप्रूव हो जाएगा तभी आपके पास ये वाला जो इंटरफेस है वो आने वाला है। अब इस प्रोग्राम के अंदर आने के लिए ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है कि आपके 25,000 प्लेयर्स जो है वो मैप्स के ऊपर टोटल का होना चाहिए। अगर 25,000 प्लेयर्स नहीं है तो आप इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते, इसके लिए आपको ढेर सारे मैप बनाने पड़ेंगे, 25,000 प्लेयर्स अपने कंप्लीट करने पड़ेंगे, उसके बाद आप लोग ये वाला जो प्रोग्राम है वो ज्वाइन कर सकते हो। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं एक पूरी सीरीज़ लाने वाला हूँ जिसके अंदर मैं डिफरेंट किस्म के जो मैप्स हैं वो आपसे बनवाऊँगा, आपको सिखाऊँगा वो मैप कैसे बनाने, और वो मैप बनाने के बाद आपका ये जो इंसेंटिव प्रोग्राम के लिए जो क्राइटेरिया है वो यहां पर पूरा हो जाएगा और उसके बाद यहां से आप लोग अर्निंग कर सकते हो। जब आपके 25,000 प्लेयर्स यहां पर पूरे हो जाएं तो आप लोगों ने प्रोग्राम के अंदर कर लेने अप्लाई, और कुछ दिन इंतजार करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो अप्रूव हो जाएगा। अप्रूव होने के बाद यहां पर आप लोगों को कहता है कि टैप हियर जॉइन द इंसेंटिव प्रोग्राम टू अर्न कैश। अब टैप टू रजिस्टर पर क्लिक करते हैं यहां पर, ठीक है। अच्छा, मेरा आई थिंक से ऑलरेडी हो चुका था इसलिए क्लिक नहीं हो रहा। तो यहाँ पर सीन कुछ ऐसा होता है कि आपको अपना एक जो अकाउंट होता है, पबजी मोबाइल ने एक वेबसाइट बनाई हुई है उसके ऊपर अकाउंट भी बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब वो अकाउंट कैसे बनाना है, वो अकाउंट अगर आप लोगों ने बना लिया तो जो मेल आपको आती है ना ये डिफरेंट इवेंट्स के रिवॉर्ड के लिए, फिर वहाँ पर आपको अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, मतलब ये सारे के सारे जो अकाउंट है वो एक ही हैं। अगर यहाँ पर बनाओ वहाँ पर बनाओ एक ही बात है, अगर वहाँ पर आपका अकाउंट बना हुआ है तो यहाँ पर फिर आपको जो है वो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप लोगों ने अप्लाई करना है और उसके बाद अप्रूवल का जो है वो आप लोगों ने वेट करना है। मैं इसको ज़रा पीछे करके दोबारा आ जाता हूँ। ओके, और ये प्रोग्राम वर्क कैसे करता है, ठीक है। इसका सीन बड़ा ही सिंपल है, अगर 10,000 लोगों ने आपका जो मैप है वो खेला है तो आपको यहाँ पर जो है वो पबजी मोबाइल की तरफ से 10,000 लोग जब आपका मैप खेलेंगे, जब आप ये वाला मिशन कंप्लीट करोगे, 10,000 बंदे आपका जब मैप खेलेंगे तो आपको मिलेंगे $10। जब 50,000 लोग खेलेंगे तो $20 अलग से, फिर 1,00,000 बंदा खेलेगा तो $20 अलग से आपको मिलने वाला है, और इस तरीके से टोटल आपको जो है $50 जो है वो यहाँ पर एक मैप के लिए आप एक महीने के अंदर विन कर सकते हो। आप मतलब डिफरेंट मैप्स के ऊपर भी ट्राई कर सकते हो, अभी तक किसी का इतना डॉलर बना नहीं है इसके अंदर, अगर बन जाए तो पता लग जाएगा। और ये मंथली होने वाला है, जब ये अगस्त का मंथ चल रहा है यहाँ पर तुम लोग चेकआउट कर सकते हो कि अगस्त का मंथ चल रहा है तो अगस्त के जो रिवार्ड्स हैं वो अभी के लिए यहाँ पर शो हो रहे हैं, और मेरे यहाँ पर टोटल 689 प्लेज हैं जिसके ऊपर मुझे $0.13 जो है वो यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। तो आप लोग भी जो है वो इसको मतलब जब ये अप्लाई करके इसके अंदर मंथली बेसिस पे जो है वो अर्निंग कर सकते हो, बहुत ही लेवल का सीन होने वाला। अभी तो मुझे इसकी मतलब प्रॉपरली जब अर्निंग आएगी इसके अंदर से तो मैं बताऊँगा, और ये अर्निंग कहाँ पर आती है वो भी मैं आपको अभी दिखाऊँगा, ठीक है। तो इसका अकाउंट और जो मेल वाला चीज़ है उसका अकाउंट कैसे बनता है, ये दोनों जो है वो सेम तरीके का एक ही अकाउंट होता है, वो कैसे बनता है वो मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ, वो नज़र कैसे आता है वो भी मैं तुम लोग को बता देता हूँ। आप लोग चाहो तो मेल के ऊपर ही यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आप लोग आओगे सिस्टम के अंदर, जिन जिन लोगों को ये वाली मेल आई हुई है, ठीक है, टैप हेयर पर क्लिक करोगे तो ये आपको जो है वो यहाँ पर क्या नाम है इसका, यहाँ पर इस जगह के ऊपर लेकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैं इसका ऑलरेडी जो है वो ऑफिशियल मेंबर हूँ, ठीक है, तो मुझे इसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर जो है वो कॉपी द लिंक आप लोगों ने कर लेना है, ठीक है। अब कॉपी लिंक करने के बाद जो है ना ये मेल आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है, कॉपी मेल करना है आप लोगों,
और वो जो मेल है वो आप लोगों ने आके यहाँ पर जो वेबसाइट है उसके ऊपर पेस्ट कर देना है। वेबसाइट के ऊपर पेस्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पर जो वो टास्क और ये सारा कुछ शो होगा। तो रिवॉर्ड के अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ, तो मेरे जितने भी रिवॉर्ड्स जो कि ऑन द रिकॉर्ड हैं, रिकॉर्ड से हट के जो रिवॉर्ड्स हैं वो तो यहाँ पर शो नहीं हो रहे, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड जो अभी इसी साल मुझे रिसीव हुए हैं, हैलोवीन का हुआ है, टूर्नामेंट इवेंट का है, एनिवर्सरी कॉन्टेस्ट का है, ब्लेड बॉल का है, गोल्डन मून का, अप्रैल का है, ये वो सारे रिवॉर्ड्स हैं, तुम लोग देख सकते हो। तो ये सारे के सारे जो है वो मुझे यहाँ पर रिसीव हुए हैं इसी अकाउंट के अंदर, ठीक है। जब ये पैसे मेरे बैंक अकाउंट में आ जाते हैं तो फिर यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं। जब तक बैंक के अंदर नहीं आते तो यहाँ पर तुम्हें कुछ भी देखने को जो है वो नहीं मिलता। और अभी इसके अंदर में वॉव मैका की भी पेमेंट आनी है, वॉव जून क्रिएशन कॉन्टेस्ट की भी पेमेंट आनी है, वॉव समर क्रिएशन कॉन्टेस्ट की भी पेमेंट आनी है, वॉव समर लव क्रिएशन कॉन्टेस्ट की भी पेमेंट आनी है, और उसके बाद जितने भी इवेंट्स होंगे वॉव के अंदर सारे के सारे जो पेमेंट्स है वो मैं यहीं पर देखने को मिलने वाली हैं। तो ये जो अकाउंट होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका इंसेंटिव प्रोग्राम जो है उसके लिए भी, और अगर मेल के अंदर कोई भी रिवॉर्ड आपको आता है तो उसके लिए भी। अब ये बनाना कैसे है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वेबसाइट आप लोगों लिंक आप लोगों ने पेस्ट किया, मैं अपना अकाउंट लॉग आउट कर लेता हूँ दो मिनट। आप लोग मेल से लिंक कॉपी करके लाओगे ना, लिंक उन्हीं लोगों के पास होता है जिन लोगों के पास मेल आई होती है, तो लिंक कॉपी करके आओगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का जो पेज है वो आने वाला है। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक करना है रजिस्टर हेयर के ऊपर, ठीक है। रजिस्टर हेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर अपना जो कंट्री रीजन है वो क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी मंथ क्या है, डे क्या है, वो सारी जो डिटेल्स है वो आप लोगों ने यहाँ पर दे देनी है। तो मैं इनको बता देता हूँ भाई जो हमारा कंट्री रीजन है, ठीक है, मैं हिसाब से करके नेक्स्ट कर लेता हूँ इसको, ठीक है। बाद आप जब नेक्स्ट करोगे तो आपके पास यहाँ पर जो वो ईमेल एड्रेस, वेरिफिकेशन कोड, पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड मांगेगा। तो कोई भी ऐसी ईमेल एड्रेस जो आप लोगों ने पहले इस अकाउंट के ऊपर यहाँ पर इस्तेमाल नहीं की वो आप लोगों ने ईमेल एड्रेस यहाँ पर एंटर कर देनी है। और मैं आपको बता दूँ कि एक पबजी मोबाइल के अकाउंट के लिए आप लोगों ने एक बार ये अकाउंट बना लिया, दोबारा आपने कभी भी अकाउंट नहीं बनाना, उसका कोई फ़ायदा जो है वो नहीं है, ठीक है। आप लोगों के जितने भी मामला हो गए वो इसी के ऊपर होंगे। तो यहाँ पर मैं ईमेल एड्रेस और ये सारा ईमेल एड्रेस एंटर करके बाद आप लोगों ने वेरिफिकेशन कोड मंगवाना है, तो मैं मंगवा लेता हूँ सारा करके, फिर मैं आगे वाला स्टेप आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। ओके, तो जब आप लोग उसके अंदर ईमेल एड्रेस जो है वो सबमिट कराओगे, ठीक है, सारा अपना अकाउंट क्रिएट करोगे, तो आपके पास मे बी एक एरर भी दे सकता है कि भाई इनवैलिड कोड है या कुछ ऐसा है। तो आप लोगों ने पासवर्ड दे दिया, कोड दे दिया, ओके, सब ओके, आपने क्या करना है, बैक आना है लॉगिन पेज पे, आप लोगों ने जो ईमेल है पासवर्ड है वो दोगे तो आपका अकाउंट जो है वो लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यार पता नहीं का क्या ग्लिच है इसकी वेबसाइट के ऊपर, मे बी जो रश है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब जब आपकी वेबसाइट लॉगिन हो जाएगी तो आपके पास कुछ इस तरीके का पेज आने वाला है, आप लोगों ने यहाँ पर रिवार्डी जो है वो सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आप लोगों से एक यूजर नेम मांगेगा, आपकी ईमेल एड्रेस आप लोगों से मांगेगा, कंट्री रीजन आप लोगों से मांगने वाला है, प्राइमरी लैंग्वेज आपकी क्या होने वाली है, डेट ऑफ बर्थ, सेल्फ इंट्रोडक्शन, गेम यूआईडी एंड प्रूफ ऑफ एक्टिविटी प्रिपरेशन एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारा जो डेटा है वो आप लोगों से यहाँ पर मांगने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम लोगों ने सारा जो डेटा है वो फिल कर देना है। यूजर नेम के अंदर कोई भी तुम लोग नाम जो है वो दे सकते हो, ठीक है, याद दिलाने के लिए कि भाई ये अकाउंट जो है वो आपका, तो वो चीज़ ही आप यहाँ पर जो है वो कर सकते हो। प्राइमरी लैंग्वेज आपकी इंग्लिश है तो वो आप लोगों ने कर लेनी है। गेम यूआईडी आप लोगों ने जो आपकी आईडी है वो आप लोगों ने यहाँ पर लिख देनी है, और जो ये प्रूफ ऑफ एक्टिविटी पार्टिसिपेशन है ना, ये ऑप्शन जो है वो ऑप्शनल होने वाला है। अब ऑप्शनल ऑप्शन को आप फिल करो ना करो ये आपके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है, इसका इतना मसला नहीं है, ठीक है। तो जब आप वो वाला स्टेप कंप्लीट कर लोगे आपके पास यहाँ पर जो वो रीजन सिलेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर बैंक की जो लोकेशन है वो आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। अब बैंक की लोकेशन क्या है, तो हमारी यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान आती है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान लिखने के बाद आपके पास यहाँ पर जो वो बेनिफिशियरी, अकाउंट टाइप, बैंक लोकेशन, पेमेंट मेथड, बैंक नेम, अकाउंट नेम, स्विफ्ट कोड, आईबीएन, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बेनिफिशियरी, तो ये सारा जो डाटा है वो आपसे मांगने वाला है। अब यहाँ पर आपका जो अकाउंट टाइप है वो पर्सनल होता है हमेशा हर बंदे का, ठीक है, आप बिजनेस अकाउंट तो यूज़ करते नहीं होंगे। बैंक लोकेशन आपकी पाकिस्तान है, ओके है। पेमेंट मेथड जो है वो लोकल होने वाला है, आप बाकी मेथड्स भी ट्राई कर सकते हो लेकिन यहाँ पर लोकल ही रखते हैं, ठीक है। अगर आप वो पेपाल वाला करना चाहो तो वो भी आई थिंक से इसके अंदर अवेलेबल होता है। उसके बाद आपका बैंक नेम मांग रहा है, ठीक है। तो बैंक नेम के अंदर आप लोगों ने अपना आपका जो बैंक का नाम है वो आप लोगों ने यहाँ पर लिख देना है, ठीक है, कि आपके बैंक का नाम क्या है, ठीक है। मतलब सेलेक्ट में आओगे तो यहाँ पर दुनिया जान के सारे बैंक जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद आप लोग उसे अकाउंट का नेम मांग रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पर जो बैंक इंटर द अकाउंट, आपका जो पूरा नाम है ना बैंक के ऊपर, जैसे मेरा नाम हुसनैन शहजाद है तो मैं यहाँ पर पूरा नाम अपना जो लिखूंगा। स्पेलिंग मिस्टेक आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी, अगर एक भी स्पेलिंग मिस्टेक, एक भी नंबर की मिस्टेक हुई तो पेमेंट पूरे एक साल के लिए भूल जाओ फिर, ठीक है, फिर मुझे नहीं कहना कि सुमरह भाई आपने बताया नहीं था। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों से मांगेगा स्विफ्ट कोड। अब ये जो स्विफ्ट कोड होता है, जो बैंक आपका होता है ना उनका ये स्विफ्ट, हर बैंक का एक अलग से स्विफ्ट कोड होता है, ब्रांच का नहीं होता, पूरे एक बैंक का एक स्विफ्ट कोड होता है, तो वो आप लोगों ने बैंक वालों के पास जाकर उनसे स्विफ्ट कोड पूछ लेना या कॉल करके उनसे लोग पूछ सकते हो। आपका जो आई
आईबीएन नंबर होता है वो आपकी चेकबुक के ऊपर लिखा होता है। अगर आपके पास चेकबुक नहीं है तो आप लोग जो है वो जाके बैंक से अपना आईबीएन नंबर, या आप अगर आपके पास ऑनलाइन अकाउंट है बैंक का, अपने जो अपने अकाउंट यूज़ करते हैं जिसके अंदर पैसे जैसे हैं, तो वो ऑनलाइन अकाउंट में भी आईबीएन नंबर अवेलेबल होता है। ये चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे बेनिफिशियरी लिखा हुआ है, तो ये जो सारे ऑप्शन है ये ऑप्शनल हैं, आप इनको फिल करो ना करो इट डजेंट मैटर, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आप लोगों से एड्रेस मांग रहे, तो यहाँ पर आप लोगों ने अपना जो एड्रेस है पूरा लिख देना है। ये जो पोस्टल कोड होता है ये क्या होता है, बिलफरज देखो मैं रहता हूँ आज़ाद कश्मीर में, ठीक है, तो आज़ाद मैं गूगल पे जा लिखूंगा मीरपुर आज़ाद कश्मीर पोस्टल कोड, तो मीरपुर का जो पोस्टल कोड है वो आ जाएगा। आप कराची में लिखते हो आप जाओ लिखो कराची पोस्टल कोड, पोस्टल कोड आ जाएगा। इस्लामाबाद में रहते हो इस्लामाबाद पोस्टल कोड गूगल पर सर्च करो वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपका एड्रेस क्या है वो आपको पता है, आपके शनाख्ती कार्ड पर भी लिखा होता है, वो सारा आप लोगों ने यहाँ पर दे देना है। कौन सी सिटी है वो आप लोगों ने यहाँ पर दे देना है, कौन सी ईमेल एड्रेस आप लोग यूज करना चाहते हो फॉर द इन्फॉर्मेशन वो आप लोगों ने यहाँ पर कर देनी है, ठीक है। तो मैं ये सारी डिटेल सबमिट करके नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। तो वो वाली सारी डिटेल्स देने के बाद आपका ये जो अकाउंट है ये आ जाएगा अंडर रिव्यू के अंदर। अंडर रिव्यू से जो निकलेगा ना, आपकी जो मेल आप लोगों ने इसके अंदर ऐड की है उसके ऊपर आपके पास मेल आएगी कॉन्ट्रैक्ट की, वो जो मेल आएगी उस मेल के ऊपर आप लोगों ने जो है वो क्लिक करना है और वहाँ से आप लोगों ने लॉगिन करके अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन कर लेना है पबजी मोबाइल के साथ। सिग्नेचर में आप कुछ भी लिख सकते हो, मतलब यू नो सिग्नेचर ही होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट आपका हो जाएगा। एंड उसके बाद आप पबजी मोबाइल के इस प्रोग्राम के फ्रीलांसर, वाओ का जो फ्रीलांसर प्रोग्राम है इसके ऑफिशियल मेंबर बन जाओगे। एंड उसके बाद आपके लिए जो है वो कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होने वाली। एक बार आपका ये अकाउंट बन गया, दोबारा ना ही इंसेंटिव के लिए ये प्रोग्राम आपने बनाना है और ना ही आपका जो क्या नाम है उसका मेल के अंदर कोई रिवार्ड आएगा तो उसमें आप लोगों ने ये अकाउंट बनाना है। फर्दर जो आप लोगों से प्रूफ होगा वो पबजी मोबाइल जो है मेल के अंदर आप लोगों से सारा कंफर्म कर लेगा, ठीक है, और वो आप लोगों के पास ऑलरेडी आपका अकाउंट है तो मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर जब ये सारा कुछ हो जाए तो आप लोगों ने गेम के अंदर जाकर अगर मेल आपके पास मौजूद है वहाँ पर भी एक बार लॉगिन कर लेना, वो फिक्स हो जाएगा उसके साथ, ठीक है, और साथ में बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। तो ये तरीकाकार था हमारा कि हम कैसे इंसेंटिव के लिए या मेल में हमारा जो रिवार्ड आता है उसके लिए अकाउंट बनाते हैं। अब इंसेंटिव प्रोग्राम से महीने का 1,00,000 रुपये कैसे पक्का निकालना है, पक्का कैसे निकालना है, उसके लिए मैं पूरी सीरीज लाने वाला हूँ। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बीजीएमआई वाले तो भी कर लो भाई, क्योंकि कोई भरोसा नहीं बीजीएमआई के अंदर ये वाओ आ गया ना तो भाई फिर आपको मेरी जरूरत पड़ेगी और मुझे ढूंढते रहोगे। तो बहुत हैवी हैवी सीन मैं तुम्हें आगे जाके बताने वाला हूँ, ठीक है, वाओ को लेके। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। और ये जो मेल आएगी ना कॉन्ट्रैक्ट वाली, ये आपको हफ्ते बाद भी आ सकती है, दो हफ्ते बाद भी आ सकती है, तो वेट करना आराम से, ठीक है।